अंक दो से जुड़े लोगों का वक्त क्या कहता है? क्या सफलता की बुलंदियों को छुपाते हैं मूलांक दो से जुड़े लोग? रिश्तों को कितनी पारदर्शिता के साथ निभाते हैं मूलांक दो से जुड़े लोग? कितने भाग्यशाली होते हैं मूलांक दो से जुड़े लोग? 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं मूलांक को लेकर। अभी तक हमने आपको मूलांक एक के बारे में जानकारी दी थी, आज चर्चा करेंगे मूलांक दो के बारे में कि मूलांक दो वाले किस तरह के होते हैं, कैसा उनका स्वभाव रहता है, कैसा उनका काम कारोबार रहता है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, उनकी मित्रता किन लोगों के साथ ज़्यादा बेहतर होती है, किन मूलांक से उनको बचकर चलना चाहिए और आने वाले वर्ष मूलांक दो वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। मूलांक दो के बारे में कुछ ऐसी खास बातें भी आपको बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। अगर आपके मित्र या आपके जीवन साथी का मूलांक दो है तो ये कार्यक्रम ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी उनको समझने की, उनको समझने की किस तरह से उनको आप हैप्पी करें, किस तरह से उनकी आप ब्लेसिंग लें, क्या वो चाहते हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे कि मूलांक दो वालों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है। इसी सिलसिले में आगे बढ़े उससे पहले ये बता रहे दर्शकों को मूलांक दो किन लोगों का होता है। आखिर अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका भी मूलांक दो है, तो राशि के अनुसार तो हम बताते ही हैं और साथ साथ आज मूलांक के अनुसार बताएंगे कि किन लोगों का मूलांक दो है। देखिए, दो मूलांक का अपना एक विशेष महत्व होता है। यदि आपका जन्म किसी माह की 2 तारीख को है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक दो होगा। और आप जीवन भर किसी ना किसी तरीके से दो अंक से ज़रूर प्रभावित होंगे। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी शुभ और अशुभ घटनाएं होंगी जो कि दो अंक से प्रभावित होगी। मूलांक दो का स्वामी जो होता है वो चंद्रमा माना गया है, यानी कि चंद्रमा जो कि एक हमारे मन का कारक होता है, चंद्रमा मनसोजात। चंद्रमा हमारे अंतर मन के अंदर उठने वाले सुख दुख की भावनाओं का संचालन करता है और हमारी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि अगर आप चंद्रमा अगर आपका मजबूत होगा तो मान लीजिए कि आपकी फीलिंग बहुत मजबूत होंगी, आप बहुत ही मजबूत किस्म के व्यक्ति होंगे, आपके ऊपर छोटी बड़ी परेशानियों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा आपका नीच राशि में है, ये आपका मूलांक और भाग्यांक में मित्रता नहीं है तो आपका मन जो है बेचैन रहेगा, खटपट सी बनी रहती है। इसलिए हम कहते हैं कुंडली में का चंद्रमा नीच का हो जाए या राहु शनि के साथ हो जाए तो हमारा मन जो है बड़ा व्यथित रहता है। छोटी छोटी बातों में हमें परेशानी टेंशन होने लगती है, हमारे मन में स्ट्रेस बहुत रहता है, हर किसी काम को हम तनाव से रूप में लेके करते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं, मन में तमाम तरह की उलझनें, 100 तरह की व्याधियाँ चलते रहती हैं और हमेशा डर लगता रहता है कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, या कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होने वाला है। इस तरह की स्थितियाँ हमारे मन में बहुत रहती है। यदि हमारी कुंडली में चंद्रमा शुभ हो, हमारा मूलांक और भाग्यांक शुभ हो तो चंद्रमा हमारे मन में शुभ विचारों को जन्म देता है और अशुभ चंद्रमा जो है मन में नेगेटिविटी देता है, गलत कार्य करवा देता है, गलत सोच को जन्म देता है, ये इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। और ये स्पष्ट है कि चंद्रमा की शुभता और अशुभता से हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत फर्क पड़ता है। मूलांक दो वालों का स्वभाव कैसा होता है? देखिए, मूलांक दो वाले बहुत ही कहते हैं कि अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही अस्थिर होते हैं, एक जगह नहीं टिककर बैठ सकते, एक जगह टिककर नहीं काम कर सकते, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। अभी कुछ तो सोचते हैं, पल में कुछ, पल में कुल सोचेंगे, इस तरह के होते हैं मूलांक दो वाले। और चाहे कोई भी विषय हो आप उनके गहराई तक का जाना पसंद करते हैं, यानी कि बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, डेप्थ में ये काम करते हैं। कभी कभी इनको देखा गया है कि इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है या अपना पूरी तरीके से ये अपने मन को मजबूत नहीं कर पाते, हमेशा अपने मन रूपी बुद्धि का इस्तेमाल करना आपकी फितरत है ऐसा जान पड़ता है। जो मेरा अपना अनुभव रहा है, इतने में चंद्रमा से प्रभावित व्यक्तियों से मिला हूँ या जिन लोगों का मूलांक दो है या जिनकी कर्क राशि या कर्क लगन है या जिनकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का है नीच का है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ। आप कल्पना शक्ति के, इमेजिनेशन के माहिर है इस काम में। अगर आपका काम इमेजिनेटरी है
कुछ सर्च का काम है, तो फिर मूलांक दो वालों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। और शरीर से ज़्यादा अपने मन का ये कार्य करते हैं, मन को खुश रखने के लिए सब कार्य करना पसंद करते हैं, जो इनका मन कर रहा है वो करना पसंद करते हैं। मन मौजी स्वभाव के होते हैं, मूढ़ी होते हैं, भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं, अत्यंत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातें दिल पर लेके बैठ जाएंगे, दिन रात सोचेंगे और फिर रोते भी हैं, अपने मन को परेशान करते हैं। लेकिन ये मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और श्रेष्ठ बुद्धिमानों की श्रेणी में इनकी गिनती की जाती है। सौंदर्य प्रेमी, कला प्रेमी मूलांक दो वाले होते हैं, क्रिएटिव फील्ड से आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े कलाकार होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु, सुशील, सभ्य व्यक्ति जो होते हैं, इनोसेंट जो होते हैं और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करने वाले ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक बचपना भी दिखता है या बच्चे का एक रूप भी आपको मूलांक दो के अंदर दिख सकता है, चाहे उन व्यक्ति की एज कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। ये हमने देखा है, बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति इनकी मजबूत होती है, बहुत क्रिएटिव माने गए हैं ये और बहुत ही रोमांटिक भी होते हैं मूलांक दो वाले, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव इनके ऊपर रहता है। बुद्धि के बल पर बहुत अच्छा काम करते हैं, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, यानी कि मानसिक कार्य में माहिर होते हैं, शारीरिक कार्य से उतनी बेहतरी से काम नहीं कर पाते हैं, शारीरिक बल इनके अंदर थोड़ा कम होता है, बहुत जल्दी कांप जाते हैं, डर जाते हैं किसी भी घटना से। इनको किसी सहयोग की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, अगर कोई इनको सहयोग करे, इनको कोई मेंटोर इनका बने, कोई इनको गाइड करे, तो जीवन में ये बहुत बड़ी तरक्की पा सकते हैं, बुद्धि के बल पर ही बहुत आगे चले जाते हैं, समाज में बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वाणी से संबंधित इनका व्यवसाय होता है, नौकरी, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा भी ये बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए पारिवारिक जीवन की बात करें इनके और दाम्पत्य सुख की, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में इनकी कमी रह जाती है, वैवाहिक जीवन में इनको तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अपने बातों पर अटल नहीं रहते हैं और उचित समय पर सही फैसला नहीं लेते हैं, डिले कर देते हैं, सोचते बहुत हैं, करते कम हैं, तो ये इनकी आदत होती है। और मूलांक दो वाले इसी चक्कर में अपने रिलेशन ख़राब कर देते हैं, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, क्योंकि इनकी बातों में स्थिरता नहीं होती, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कहेंगे, अपने जीवन साथी के बात नहीं मानेंगे, उनकी कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ समय पर करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, इसलिए इनके रिलेशन ख़राब होते हैं और कई संबंध इनके शादी से पहले देखा जाता है कि टूट जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि अपने काम कारोबार के लिए घर से बाहर ही जाना पसंद करते हैं और संयुक्त परिवार से ही अलग रहते हैं, ऐसी इनकी मूलांक की स्थिति कहती है चंद्रमा के आधार पर। वैवाहिक जीवन में जैसे मैंने बोला कि दिक्कतें बहुत आती हैं और कम उम्र में इनकी शादी हो जाती है मूलांक दो की जो स्वामी चंद्रमा है उसके कारण। और देखा है कि ये लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लव मैरिज होने की संभावनाएं जो है इनकी बहुत ज़्यादा बनती है। इनके अंदर बहुत अच्छी खासियत है कि ये किसी बुरे व्यक्ति के अंदर से भी या बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ लेना चाहते हैं, ढूंढ निकालते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अच्छी भाषा का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, दूसरे के मन को भांप लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, समाज सेवी होते हैं, समाज में अच्छाइयों को बढ़ाना चाहते हैं, बुराइयों को मिटाना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति की परेशानी से बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, देवता श्रेणी में आते हैं, इनके देवता समान व्यक्ति होते हैं, दान में बिलीव करने वाले, दान दक्षिणा में सबका भला करने वालों में ये रहते हैं, सामाजिक कार्यों से उनको बड़ा लगाव रहता है। देखिए इनकी पढ़ाई बीच बीच में रुकावटें आती हैं, ऐसे देखा गया कि मन मजबूत नहीं है तो कभी कभी एकाग्रता की कमी के कारण, कंसिस्टेंसी की कमी के कारण परीक्षा में मार्क्स कमाना, एक आधे साल रुक जाना, फेल हो जाना, ये इनको परेशानी रहती है। देखिए पढ़ाई के दौरान भी ये इधर उधर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनका बचपन से इनका मन करता है कि मुझे किसी प्रोफेशन में जुड़ जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का समय ज़रूरी है और पढ़ाई अगर करेंगे तो उसके बाद आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। साहित्य संगीत इनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें बहुत रुचि रहती है क्योंकि चंद्रमा है तो पेंटिंग भी बिल्कुल इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे पेंटर भी होते हैं या इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। देखिए नौकरी और व्यवसाय आप दोनों ही तरीके से कामयाब रहते हैं और चंद्रमा यानी कि डिप्लोमेटिक है, कूटनीति के बल पर आप बहुत आगे बढ़ते हैं, इसलिए बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी देखे गए हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है
चंद्रमा अच्छा है तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी होते हैं, पोएट, राइटर, फिलोसोफर, आर्टिस्ट, टीचर, रिपोर्टर, ये बहुत अच्छे देखे गए हैं मूलांक दो वाले। और एक अच्छे एजेंट, यानी कमीशन एजेंट का बिजनेस भी ये देखते हैं, बहुत इनका बढ़िया चलता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के, तो पेट संबंधी रोग बड़े परेशान करते हैं, कफ प्रवृत्ति के होते हैं तो कफ बहुत बनता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, हाई बीपी की शिकायत इनको बहुत रहती है, इस तरह की समस्याओं को उनका, इससे संबंधित इन्फेक्शन रहता है, इनसे संबंधित ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, कई बार गले छाती में तकलीफ होती है, नज़ला जुकाम खांसी ज़्यादा रहती है, आंतों में कोई इन्फेक्शन रहता है। 40 वर्ष के बाद इनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा परेशानी रहती है। अब बताते हैं मूलांक दो की कमियां, जिसे सुधार करें आप, कमियां बताना इसलिए ज़रूरी है। एक तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन अपनी बना कर रखें और किसी काम को बीच में ना छोड़ें। प्लान बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में कर देंगे बहुत देर, तब तक गाड़ी छूट जाएगी दोस्तों, ऐसा ना करें। आत्मविश्वास की कमी होती है, कॉन्फिडेंस लाएं और ये माने कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। किसी चीज़ को लेकर जज्बाती ना होएं, उत्प्लावन मत दिखाएं और कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा भावुकता से बचें, खासकर रिलेशनशिप में, अन्यथा बहुत नुकसान उठाना आपको पड़ेगा। बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, एक असफलता क्या हाथ लगी मित्रों कि आप डिप्रेस हो गए, इस चीज़ से बचिए, असफलता ही सफलता की कुंजी है। यानी कि आज असफल हुए हैं तो अगली बार सफल भी होंगे, ऐसा मानिए। और शंकालु प्रभाव से आपको बचना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करें, सावन का मास चल रहा है, शिव की पूजा करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको मान सम्मान यश की वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा और पश्चिम दिशा आपके लिए काफ़ी शुभ मानी गई है। मूलांक एक, मूलांक चार और मूलांक नौ आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है, सफ़ेद, पीला और हरा रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, अगर इन रंगों का पालन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गाय की सेवा करने से आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। तो दर्शकों, मूलांक दो की आज आपको जानकारी दी, आने वाले एपिसोड में कुछ और जानकारियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे मूलांक तीन की। तब तक मुझे यानी ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।